नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम नक्षत्र में। मैं हूं आपके साथ मनीष असवाल। हम आपको बताएंगे आपके 12 राशियों का हाल, क्या करें और क्या ना करें, आज का दिन आपका कैसा बीतने वाला है। और इन सब के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान आचार्य राजीव शुक्ला जी। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को प्रणाम। नीलांजनम समावासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड सम्भूतम तम नमामि शनैश्वरम शन्यो देवे रविष्टे आपो भवंतु पीते शन्यो रविस्त्रवंतु। इस प्रकार से कालगणना, और कालगणना कैसी होती है वो रात्रिमान और दिनमान इस पे निर्भर करती है। और रात्रिमान पे निर्भरता और दिन पे यानी दिनमान में निर्भरता ये हमको जीवन में चलायमान भी रखती है। और इसी प्रकार से चलायमान होते हैं ग्रह के गोचर, गोचर मतलब ट्रांजिट, और जो भी ट्रांजिट को फॉलो करता है या ग्रहों के गोचरों को फॉलो करता है निश्चित रूप से उसको सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ के साथ मानसिक शांति के लिए भी ग्रहों के अनुकूल चलना निश्चित रूप से बहुत ही सुखद होता है। तो हर रोज की तरह मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के क्या कहने वाला है आज का फलित, यानी आज का क्या गोचर फल कह रहा है, यानी राशियों के ऊपर क्या प्रभाव होने वाला है, मेष से लेकर मीन राशि तक हम ये जानेंगे। और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि आज का पंचांग क्या कहता है। प्रथम राशि मेष राशि। आज मेष राशि वालों कुछ बदलाव के संकेत देख रहे हैं। नौकरी एक सांकेतिक शब्द है, यानी जो भी आज आप कार्य करते हैं उसमें कुछ बदलाव के संयोग देख रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी है कि संपत्ति में लाभ होगा मेष राशि वालों। क्या करना है आज खाने में, बस केवल एक पदार्थ बढ़ा लीजिए, वो भी दही नाम का पदार्थ, जो कि आज आपके ग्रहों को अनुकूल करने में सहायक होगा। शुभ अंक आज आपके लिए 3 है। क्या आपको नहीं करना है आज मेष राशि वालों, ये जरूर ध्यान रखिए। आज मेष राशि वालों को काले रंग के कपड़े, बहुत ही छोटी बात है, छोटी छोटी सावधानियां हैं, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। और पश्चिम दिशा से संबंधित कोई भी कार्य यदि कर रहे हैं उसमें निष्फलता आ सकती है, थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों पैसे कमाने के आज आपको अच्छे और नए अवसर मिलेंगे। और इसके साथ साथ कुछ योग ऐसे चल रहे हैं जिससे जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर परेशानियां दूर होंगी, यानी सुखद बदलाव के योगादि योग दिख रहे हैं, थोड़ा सा आप रिलैक्स भी रह सकते हैं। क्या करना चाहिए वृषभ राशि वालों को, वृषभ राशि वालों को आज तुलसी जी के पेड़ में दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए धन धान्य सुख संपदा प्राप्त करने के लिए। शुभ अंक आज आपके लिए 9 सिद्ध हो रहा है। क्या नहीं करना है वृषभ राशि वालों को, वृषभ राशि वालों को प्लास्टिक रबर इत्यादि की चीजों को खरीदने से, कभी कभी कोई चीज खरीदने से नुकसान हो सकता है, उसका जरूर ध्यान रखेंगे। मिथुन राशि वालों को आज पुराने दोस्तों से, पुराने लोगों से भेंट इत्यादि होगी, अपने मन की बात कह पाएंगे, यानी आज कम्युनिकेशन का ग्राफ मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा बताया जा रहा है। क्या करना है, घर पर हवन पूजन इत्यादि जरूर ऑर्गेनाइज कराएं, यानी करें। शुभ अंक आज आपके लिए 8 सिद्ध हो रहा है। क्या नहीं करना है आज आपको, मिथुन राशि वालों को मांसाहार बिल्कुल भी आज निषेध रखने की जरूरत है, और इसके साथ साथ यात्रा पर जाने से भी बचे, मांसाहार से निश्चित रूप से ग्रहों की अशुद्धि होती है। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों कोई भी प्रियजन आज आपके घर आ सकता है, यानी कि एक मेल मुलाकात का एक दौर आज आपका शुरू हो सकता है, और इसके साथ साथ आपका भी कहीं अपने प्रियजन के पास जाने का यात्रा प्रसंग इत्यादि बन सकता है। शुभता का संचार लिए हुए है आज का दिन। क्या करना चाहिए आज, मीठी चीज का कोई भी मीठी चीज हो उसका दान आज आप करें, और ये दान एक सांकेतिक शब्द है, दिया किसी को जा सकता है। शुभ अंक चार का प्रभाव आज आपके ऊपर पड़ेगा जरूर। क्या नहीं करना है, थोड़ा सा भ्रमित हो सकते हैं, विशेष रूप से अगर कोई विशेष डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप साइन कर लें तो 10 बार आप सोच लें। उड़द की दाल का सेवन भी आज आप निषेध रखें, कुछ पदार्थ निषेध होते हैं। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों परिवार के साथ आमोद प्रमोद अच्छा दिन बीतता हुआ दिख रहा है, कुछ आपको अंदर से अच्छा शुभ फीलिंग आ सकती है, तो ये शुभ फीलिंग को आज आप निश्चित रूप से लाभान्वित भी आज आप होंगे, और इसके साथ साथ आज आपका जो चिंताएं थी भ्रम थे वो सब दूर होंगे शुभता के साथ। क्या करना चाहिए सिंह राशि वालों को,
बजरंगबली के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर में जरूर जाए और दर्शन करें, साथ के साथ परिक्रमा भी करें। शुभ अंक आज आपके लिए सिंह राशि वालों के लिए एक है। क्या नहीं करना है आज? तैलीय पदार्थ, घी से संबंधित पदार्थ, और ये केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से ही नहीं, ग्रहों की दृष्टि से भी, ठंडी चीजों का सेवन इत्यादि ये भी आज कोशिश करें कि ना करें। सिंह राशि वालों का छोटा सा एक ये कार्य आपको करना है, ज्यादा कुछ नहीं। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों, बिगड़े हुए कार्य आज आपके बनते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों से जो नोकझोंक हो गई थी वो भी दूर होती हुई दिख रही है। बिजनेस में भी आज आपका एक स्मूथ फ्लो चलने वाला है। क्या कर रहे हैं ये जरूर ध्यान रखना चाहिए आज आपको, किसी भी गरीब, और ये गरीब एक सांकेतिक शब्द है, यानी जो भी जरूरतमंद हो उसको चने का दान करें। शुभ अंक आज आप 6 मान के चलें। कन्या राशि वालों को आज क्या नहीं करना चाहिए? आज नए वस्त्र इत्यादि खरीदने से शुक्र की अशुभता थोड़ी सी जनरेट हो सकती है। दक्षिण दिशा आज आपके लिए निषेध बताई जा रही है। तुला राशि वालों, संतान से मिलेगा आज आपको सुख और संतान के लिए संबंधित चिंताएं दूर होंगी। मांगलिक कार्य भी, यानी शुभ कार्य करने के लिए योजनाएं भी बनेंगी। क्या कर सकते हैं आप? छोटी सी एक चीज कर लीजिए, चावल का दान कर लीजिए, या चावल के संबंधित पदार्थ किसी को आप जरूर खिलाएं। शुभ अंक आज आपके लिए 3 है और 3 अंक गुरु बृहस्पति देव का अंक है। क्या नहीं करना है आज आपको? केवल बचना है छोटी छोटी बातों से, और इसके साथ साथ हरे रंग से भी बचना है। साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि आपका अधिक व्यय ना हो, यानी थोड़ा सा आज अभी बचत अनुकूल चले। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों, रिश्तेदारों से, और रिश्तेदारों मतलब जिनसे जिनसे भी आपका रिलेशनशिप है उससे संबंधित कुछ खुशखबरी नई मिल सकती है। कुछ जगह से तनाव भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा संयम रखें, अच्छा रहने वाला है, और कार्य के हिसाब से भी अच्छा रहने वाला है। छोटा सा एक कार्य कर लीजिए, कुत्ते को आज आप रोटी खिलाएं, बहुत ही अच्छा प्रभाव मिलेगा। और शुभ अंक भी जरूर ध्यान रखें। शुभ अंक का लाभ यह हो सकता है, यदि आप कहीं निवेश इत्यादि कर रहे हैं, या ध्यान इत्यादि करना है, या किसी प्रकार से कोई कार्य करना है, उसमें आपका संख्या बल याद रखना बहुत जरूरी होता है, तो 7 अंक का ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि वालों, आज आप जरूर ध्यान रखें कि लोहे की कोई भी वस्तु, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो बिल्कुल ना खरीदें। साथ के साथ मादकता देने वाले कुछ पदार्थों में प्याज भी होता है, या इस प्रकार की कोई वस्तु जो मादकता दे सकती है, ये इसका सेवन आज कम से कम रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। इससे कोई ना करें तो बहुत ही अच्छा है, अन्यथा कोई बहुत ऐसी बात नहीं है, कोई बहुत ऐसी चिंता की भी बात नहीं है, छोटी छोटी सावधानियां ही हैं ये। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों, विदेश से संबंधित या बहुप्रतीक्षित यात्रा इत्यादि जो सुखद यात्रा है, उसका योग बनने की तरफ बढ़ सकता है, और इसके साथ साथ धन का भी आज आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। चाहे कम हो तो भी लाभ अवश्य होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा प्रोसेस और प्लानिंग पे जरूर ध्यान दें। क्या करना चाहिए आज आपको? आज धनु राशि वालों को, कन्याओं को भोजन इत्यादि जरूर कराना चाहिए। भोजन एक सांकेतिक है, कुछ भी आप दे सकते हैं। शुभ अंक आज आपके लिए चंद्र से प्रभावित अंक 2 है। इससे आपका बल भी बढ़ेगा और आपकी चिंताएं भी निर्मूल होंगी। क्या नहीं करना है आज धनुराशि वालों को? धनुराशि वालों को आज काले तिल के प्रयोग से बचना है, और दूसरा खाद्य पदार्थ है जिसको पान कहते हैं, पान के प्रभाव तांबूल से, इसके सेवन से बचें। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों, कुछ शुभ समाचार आपको घर से संबंधित जरूर मिल सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कुछ पेंडिंग वर्क अवश्य समय रहते निपटा लें, अन्यथा उसमें देरी आपको हानि दे सकती है। क्या करना चाहिए? माता लक्ष्मी को खीर का भोग अवश्य लगाएं, और माता लक्ष्मी का मंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं इस प्रकार से बोल सकते हैं, भोग लगा के जरूर लोगों में वितरित करें। शुभ अंक आज आपके लिए 3 है। 3 बृहस्पति देव का अंक है। क्या नहीं करना है आज? आप कोशिश करें कि चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, दीर्घ हो, यात्रा ना करें, और किसी से गिफ्ट इत्यादि लेन देन से भी बचें। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों,
नौकरी में या नौकरी एक सांकेतिक शब्द है, जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें प्रमोशन के योग, यानी आपकी प्रशंसा भी होगी और आपको लाभ भी होगा, धन लाभ की भी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए आज आपको कुंभ राशि वालों? कुंभ राशि वालों को आज गाय को पालक खिलानी चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपके अंदरूनी जो प्रभाव नेगेटिविटी है वो दूर भी होगी। और शुभ अंक इसके साथ जरूर ध्यान रखें 5 है, यानी आज बुध के प्रभाव को अच्छा करना है आपको। क्या नहीं करना है आज कुंभ राशि वालों, जरूर ध्यान रखिए, आज वाहन अगर है तो स्वयं से चला रहे हैं तो तेज बिल्कुल ना चलाएं, चोट चपेट इत्यादि का भय दिख रहा है। और इसके साथ साथ लाल रंग से संबंधित यदि आज आप कोई कार्य करेंगे या लाल रंग के वस्त्र इत्यादि पहनेंगे तो भी थोड़ी सी पर्सनैलिटी में नेगेटिविटी आ सकती है। मीन राशि अंतिम राशि बिजनेस के लिए आज आपके लिए दिन अच्छा है, मान सम्मान भी आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच जरूर बैलेंस बना के चलें। क्या करना है शुभ कार्य कर लीजिए। माता दुर्गा ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गुलाब का फूल माता के श्री चरणों में लगाएं। शुभ अंक आज आपके लिए 9 से धुरा है, मंगल का शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होगा। क्या नहीं करना है आज के दिन, लकड़ी या लकड़ी से बना हुआ कोई भी सामान इससे निषेध रखें और पश्चिम दिशा भी निषेध रखें। बहुत छोटी छोटी बातें, आपने देखा मेष से मीन, मीन से मेष पर्यंत सारी राशियां, अपनी राशि सब लोग देखते हैं, अपने अपनों की भी देखिए। और बहुत बड़ी कोई चीज नहीं करनी है, छोटे छोटे उपाय और भ्रम भय ये दूर भगाए। और आइए गुरु जी से जानते हैं आज का पंचांग। दिनांक 28 दिसंबर 2000, द्वितीया तिथि का मान लगा है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, पौष मास और शुक्ल पक्ष लगा हुआ है। राहु काल 9:47 से 11:04 और शुभ समय 11:38 से शुरू होता हुआ 1:28 तक सिद्ध है। इस शुभ समय में बहुत सारे शुभ योगों का भी इसमें सम्मिलन है। तो भारत समाचार के सभी दर्शकों को आज का दिन मान रात्रि मान शुभ हो, इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। और ज्यादा जानकारी के लिए, अधिक जानकारी के लिए आप गुरुजी से डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। acharyanakshatra@rediffmail.com पर आप गुरुजी से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। 8004036524 ये गुरुजी का व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, तमाम जानकारियां गुरुजी से प्राप्त कर सकते हैं, तमाम सवाल उनसे कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम नक्षत्र में बस इतना ही। देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।